जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में आदर्श आचार संहिता व निर्वाचन के संबंध में राजनीतिक दलों के साथ बैठक संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि जनपद में छठवें चरण में 3 मार्च को मतदान कराया जाएगा तथा 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी तथा 2 फरवरी से किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी नॉमिनेशन भर सकते हैं तथा 16 फरवरी को नॉमिनेशन वापस लेने का अंतिम दिन है, जिसको संपन्न कराने के लिए केंद्रीय सुरक्षा दल, पुलिस बल व प्रशासनिक अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा, निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड नियमों का पालन करते हुए चुनाव को संपन्न कराने के लिए निर्देश जारी हुआ है तथा एक समय में कोई भी प्रत्याशी 5 से अधिक व्यक्तियों के साथ किसी भी जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकता है और 5 व्यक्ति ना ही घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकते हैं तथा कोई भी प्रत्याशी प्रलोभन देकर वोट देने के लिए किसी के ऊपर दबाव नहीं बना सकता है तथा किसी भी राजनीतिक दल को किसी तरह की आपत्ति है तो वह जिला निर्वाचन कार्यालय आकर शिकायत कर सकता है तथा सभी तरह के रैली जनसभाओं को 15 जनवरी तक प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, का नाम और मोबाइल नंबर ठीक इतना सब दे देंगे जिससे अब सभी अनुमतियां आगे ऑनलाइन भी हो जाएंगी। ठीक है, आप ऑनलाइन अनुमतियां भी ले सकते हैं। एसओसी का कार्यालय तो पीछे है, यहीं पे वो एनआईसी वाली बिल्डिंग में नीचे है संभवतः, तो सभी के कार्यालय हम अभी बता देंगे, प्रेस में भी दे देंगे। इनका कार्यालय यहाँ पर है, ये आरओ है, इनका ये मोबाइल नंबर है, ये मेल आईडी है, उनके स्टेनो है, उनका ये नाम। इसी तरह से चाहेंगे कि हमें एक आपके यहाँ से भी प्रत्येक पार्टी से कम 3 लोगों का मिल जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक, हम जिलाध्यक्ष जी का नहीं चाहते, कहेंगे आप हमें 2 ऐसे लोगों का नाम दे जिससे हम लगातार कम्युनिकेट करते रहे, जिसको सूचित करते रहे। इसी तरह से प्रत्येक एसी के लिए आप हमें 2 नाम दे दें कि ये इस पार्टी के वो हैं जिनसे आप संदेशों का आदान प्रदान कर लेंगे, जिनसे कोई बात करनी बात उनसे कर लेंगे। जब नामांकन हो जाएगा तब तो हमारे पास एक ऑफिशियल पर्सन हो जाता है जिसको चीफ इलेक्शन एजेंट ना, मुख्य एजेंट कहेंगे उसको, फिर उससे कम्युनिकेशन पूरा होता रहता है। लेकिन जब तक अभी जैसे हमारे यहाँ जो नामांकन होगा 4 फरवरी को है, तो 4 फरवरी से अभी दूर है, तो अभी ऐसा होगा जिससे हमारा कम्युनिकेशन गायब ना रहे। यहाँ से लेकर के बढ़लगंज तक या यहाँ से लेकर के बेलघाट तक कोई ऐसी बात आप हमारे संज्ञान में दिलाना चाहें, कहीं ऐसा आपको लगता है, मेरा एक अनुरोध और है कि यदि आपको लगता है कि किसी पार्टी ने कोई गलत काम किया है, आप उनसे ना उलझें, आप हमें शिकायत करें, बार बार शिकायत करें हमसे, मतलब आप उलाहना दें कि साहब देखिए मैं फलानी पार्टी का हूँ और आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, आप फलानी पार्टी आप ऐसा कर रहे हैं। हमने सभी पार्टियों को जो 5 तारीख की मतदाता सूची थी सभी पार्टियों को उपलब्ध करा दिया, जो ले नहीं गए हैं लोग, अभी बीजेपी के भी नहीं ले गए, बसपा के अभी ले लिया जाएगा। ये तो सुबह वेबसाइट पर भी मतदाता सूची पड़ी हुई, विदाउट फोटो रहेगी, हाँ विदाउट फोटो ही होती, जो फोटो वाली हमारी दी जाती है। यदि आपके पास वो सॉफ्ट कॉपी मिलेगी तो आप दंड के भागी होंगे, कोई भी निजी व्यक्ति जिनके पास वो सॉफ्ट कॉपी होगी वो दंड का भागी होगा। जो जो भी यहाँ से आपको प्रूफ लेकर आए उसमें फोटो जो वेबसाइट नहीं नहीं जो आपको दी उसमें थोड़ा है, जो प्रिंटेड है उसमें तो रहेगा, हाँ जो प्रिंटेड है वो रहेगा, पीडीएफ वगैरह में है वो नहीं। जैसे आप सभी अवगत हुए हैं कि माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा कल आचार संहिता की घोषणा और इसको आने में थोड़ा सा विलंब हुआ, इसलिए दोनों साथ में ही हम लोग करा रहे हैं। पहले राजनीतिक पार्टियों से बात शुरू हो जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी, उसके बाद मीडिया के बंदों से भी ब्रीफिंग हो जाएगी, ताकि जनमानस तक ये बात पहुंच जाए। मतदान शेड्यूल का जारी हुआ है, छठे सत्र में हमारा गोरखपुर जनपद का जो 9 विधानसभाएं हैं उनकी घोषणा हुई है, 3 मार्च को इलेक्शन है और 10 मार्च को काउंटिंग है नॉमिनेशन के सत्र, और ये सभी प्रारंभ 2 फरवरी से और 10 फरवरी को अंतिम तिथि है, 16 फरवरी को वापस लेने का अंतिम दिन है, और इसमें हर एक इलेक्शन में एक प्रेक्षक की तैनाती की जाएगी और वे प्रेक्षक की भी अलग से तैनाती की जाएगी और पुलिस ऑब्जर्वर भी तैनाती होगी। ये सब सामान्य प्रक्रियाएं हैं और आचार संहिता के विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी हुए हैं। इस बार
कोविड प्रोटोकॉल के लिए विशेष रूप से फोकस माननीय आयोग का है और मतदाताओं को और सभी संबंधित को और पोलिंग पर्सनल और पुलिस पर्सनल और पार्टियों के संबंधित पदाधिकारियों को भी सभी को सुरक्षित माहौल में कोविड ओमिक्रॉन और कोविड के सर्ज के दृष्टिगत सुरक्षित माहौल में कराने के लिए स्पष्ट निर्देश और विस्तृत गाइडलाइन भी दिए गए हैं। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि इन गाइडलाइन को सभी को पढ़ना चाहिए और अवगत होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार आप करा लें ताकि इसका शत प्रतिशत पालन हो। बिना आपकी सहभागिता के सहयोग के इनका पालन करना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। मैं आग्रह करूंगा कि इन गाइडलाइन के संबंध में कटिबद्धता से और पूरे सूझबूझ के साथ हमें उनको क्रियान्वयन करना चाहिए। जैसे अभी एक कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी और निरंतर पुनरीक्षण चलता रहेगा। सभी मतदान बूथों के आवश्यक अवस्थापनाएं मिनिमम उपकरण वहां उपलब्ध कराया जाएगा ताकि हर एक का विशेष रूप से हम लोग ख्याल रख सकें। इस बार 80 से ज्यादा उम्र के मतदाताओं और विकलांग दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी विशेष रूप से यहाँ व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो विशेष रूप से आयोग का बल है, हम सबका प्रशासन की ओर से बल है कि हम लोग मतदाताओं को अच्छी से अच्छी सुविधाओं के बीच में अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करने के लिए ये कोशिश करें। आचार संहिता में जैसे आप अवगत हैं कि पहले से अनेक चुनावों से जो चल रही है प्रक्रियाएं हैं, कोई नई घोषणा या नई तरह की प्रलोभन की कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए। माननीय आयोग के सतर्क दृष्टि है, इसमें कोई भी शिकायत आपको है तो माननीय आयोग के पोर्टल पर आप दर्ज कर सकते हैं, NGRS पोर्टल है। कोई भी परमिशन के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो सुविधा ई सुविधा करके ऐप है, उसका मैं अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रयोग इसका किया जाए। अभी 15 जनवरी तक कोविड के दृष्टिगत किसी भी तरह के जमावड़ा रैली या किसी तरह का जनसभाओं को प्रतिबंधित किया गया। उसके बाद माननीय आयोग से जैसे निर्देश प्राप्त होते रहेंगे वो हम आपको अवगत कराते रहेंगे। जरूरी है कि किसी भी तरह की अभद्र भाषा, जातिगत या धर्म से संबंधित भाषाएं किसी भी तरह नहीं होनी चाहिए। हमारी जनसभाओं में पॉलिटिकल रैलीज की कड़ी निगरानी की जा रही है, जनसभाओं की रोड शो की कड़ी निगरानी की जा रही है। हमारे वीडियो सर्वेलेंस टीम्स उड़न दस्ते की टीम पहले से तैनात हैं। सभी बॉर्डर पे नाकाओं को भी लगातार निगरानी की जा रही है। किसी भी तरह के गिव अवे, किसी भी तरह के अवैध गतिविधियों पे सतर्क दृष्टि माननीय आयोग के निर्देश के क्रम में, माननीय प्रेक्षकों के निगरानी के क्रम में जिला प्रशासन और सभी सामान्य अधिकारी द्वारा की जाएगी। इसके लिए अलग अलग पुलिस प्रशासन की टीमें तैनात की गई हैं। अभी करीब 60 से ज्यादा प्रतिशत के शस्त्र जमा करा चुके हैं और आगे भी हम लोग कराते रहेंगे। इसके लिए जनपद लेवल पे स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। अगर कोई विशेष परिस्थिति के कारण अगर किसी को कोई चूक के आवेदन करना है तो स्क्रीनिंग कमेटी के सामने मेरे कार्यालय में अथवा निर्वाचन अधिकारी के ERO के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और उसको माननीय आयोग के गाइडलाइन के अनुसार उसको देखा जाएगा। आचार संहिता के पालन में जरूरी है कि गाड़ियों का मूवमेंट, जो ध्वज या होर्डिंग बैनर लगाने का मूवमेंट मैं किसी तरह के उल्लंघन का। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह डिप्टी DO गोरखपुर हूं। आप सब जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचनों की घोषणा कर दी गई है। आज हमारे जनपद के राजनीतिक दलों के जो सम्मानित प्रतिनिधिगण थे उनकी एक औपचारिक बैठक आमंत्रित करके सबको इसकी सूचना दे दी गई है। इनको आदर्श आचार संहिता की एक प्रति दे दी गई है और सबसे अनुरोध किया गया है कि अब और आज से आगे जब तक मतदान हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता, निर्वाचनों का परिणाम घोषित नहीं हो जाता, तब तक ये आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी और सभी को इसका पालन करना होगा।